गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ देखो, एक तो अनाउंसमेंट, ये अनअकैडमी गेट चैंप, टाइम टाइम पे इसके टेस्ट होते हैं। 24th को हुआ है, फिर अगला टेस्ट होगा 31 के अराउंड। 1.5 घंटे का है और 35 क्वेश्चन है इसमें। 1.5 घंटे का टेस्ट, 35 क्वेश्चन। किसी भी कोड से एनरोल कर सकते हैं। मेरा वाला कोड है GS लाइव या सौरभ GS। किसी भी कोड से एनरोल कर सकते हैं। मेरा वाला कोड है GS लाइव या सौरभ GS। रेज अ हैंड, डाउट पूछने के लिए ये एक फीचर है। आस्क ए डाउट बाई अनअकैडमी। स्पेशल क्लास फीचर। न्यू बैचेस फॉर गेट एंड ESC।
the process of copying genetic information from one strand of DNA into RNA. DNA से RNA conversion का क्या क्या process होता है, क्या बोलते हैं उस process को? DNA से RNA बनने का जो process है उस process को क्या बोला जाता है? DNA से RNA के बनने का जो process है उसे क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं इसको। डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन और आरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन। डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन और आरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन। डीएनए के अंदर क्या क्या होता है? डीएनए क्या क्या कंटेन करता है? डीएनए कंटेन करता है डीऑक्सीराइबोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस एंड फॉस्फोरिक एसिड। डीएनए के अंदर होती है डीऑक्सीराइबोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस एंड फॉस्फेट ग्रुप। नाइट्रोजनस बेस चार होते हैं, एडनीन, गुआनीन, साइटोसिन, थायमिन। एडनीन, गुआनीन, साइटोसिन, थायमिन। तो नाइट्रोजनस बेस, डीऑक्सीराइबोज शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। एड्स के फैलने के क्या क्या कारण है, मतलब एक से दूसरे को होने के क्या क्या रीजन है? ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटेमिनेटेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट। कंटेमिनेटेड फूड से नहीं होता, इनहेलिंग पॉल्यूटेड एयर से नहीं होगा, हैंड शेकिंग से नहीं होगा, ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटेमिनेटेड ब्लड। ब्लीडिंग ऑफ गम्स, फॉलिंग ऑफ टीथ, फ्रेगाइल बोन्स एंड डिलेड वाउंड हीलिंग अकर ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन। ये स्कर्वी के सिम्टम है, विटामिन सी की कमी से होता है। स्कर्वी के सिम्टम है, विटामिन सी की कमी से होता है। इसमें से क्या एक सेमीकंडक्टर नहीं है? सिलिकॉन सेमीकंडक्टर है, जर्मेनियम है, गैलियम आर्सेनाइड है, क्वार्ट्ज सेमीकंडक्टर नहीं है।
लोकटक लेक कहाँ स्थित है? लोकटक लेक मणिपुर। मणिपुर। क्वाशियोरकर। क्वाशियोरकर डिजीज इन चिल्ड्रन इज कॉज्ड बाय। क्वाशियोरकर किस कारण से होता है? क्वाशियोरकर डिजीज किस कारण से होती है, क्या रीजन है? प्रोटीन्स इन डाइट, एक होता है क्वाशियोरकर, एक होता है मैरिस्मस। क्वाशियोरकर एंड मैरिस्मस दोनों ही प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, प्रोटीन एनर्जी कुपोषण से होता है ये, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में नॉट करेक्ट स्टेटमेंट। प्रोजेक्ट टाइगर नॉट करेक्ट। प्रोजेक्ट टाइगर 1973। ट्रू। प्रोजेक्ट टाइगर का उद्देश्य टू प्रिजर्व द हैबिटेट एंड टाइगर इन नेचुरल एरिया। ट्रू। द प्रोजेक्ट एम्फेसाइज्ड टू इंश्योर वायबल पॉपुलेशन ऑफ टाइगर इन इंडिया। ट्रू।
फिर ये कह रहा है देयर आर नो टाइगर रिजर्व इन नॉर्थ ईस्ट. गलत. नॉर्थ ईस्ट में टाइगर रिजर्व है, फॉर एग्जाम्पल पाखुई नामेरी, फॉर एग्जाम्पल पाखुई नामेरी अरुणाचल, कामलांग अरुणाचल. तो नॉर्थ ईस्ट में कह रहा है कोई टाइगर रिजर्व नहीं है, गलत स्टेटमेंट है. टाइगर रिजर्व है नॉर्थ ईस्ट में. इसमें से कौन एक बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है, कौन एक बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है? ग्रेट हिमालयन. सुनामी वेव्स आर अंडर सी अकरेंस ऑफ अर्थक्वेक एक्सीडिंग 7.5 मैग्नीट्यूड ऑन रिक्टर स्केल. क्या स्टेटमेंट सही नहीं है? सुनामी वेव अर्थक्वेक है 7.5 से ऊपर का, क्या स्टेटमेंट सही नहीं है? सुनामी इज अ लैटिन वर्ड. सु हार्बर, नामी वेव्स. सु हार्बर नामी वेव्स. सुनामी इज अ लैटिन वर्ड. गलत, ये जैपनीज वर्ड है. नॉट पूछा, ये आंसर हो जाएगा. कौन सा पोर्ट ऐश्वरी पर स्थित है, किसी रिवर की ऐश्वरी पर है? कौन सा पोर्ट है जो किसी रिवर की ऐश्वरी पर स्थित है? मोरमू गांव गोवा. ये स्थित है जुआरी रिवर के एश्वरी पर. जुआरी रिवर के एश्वरी पर स्थित है. ज़्यादातर नदियाँ जो ईस्ट में बहती हैं वो ओशियन में मिक्स होती हैं, डेल्टा फॉर्मेशन करती हैं. पश्चिम में बहने वाली नदियाँ ज़्यादातर एश्वरी बनाती हैं, जैसे नर्मदा और तापी. डेल्टा एश्वरी में क्या अंतर है? डेल्टा जहाँ बन रहा है वहाँ रिवर की स्पीड ज़्यादा नहीं होती, एश्वरी जहाँ बन रहा है वहाँ रिवर फास्ट होती है. इसमें बताना है नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट. नॉट करेक्ट. पावो क्रिस्टेटस साइंटिफिक नेम है पिकॉक का. नेलिम्बो नुसीफोरा साइंटिफिक नेम लोटस का. नेशनल फ्लावर तो है लोटस. मोर नेशनल बर्ड है. फाइकस बेंगालेंसिस ये नाम है बनियान ट्री का, बरगद का पेड़, नेशनल ट्री है. मैंगीफेरा इंडिका ये मैंगो का साइंटिफिक नेम है. नेशनल फ्रूट है, एनिमल नहीं.
नेशनल फ्रूट ऑप्शन इंडिया ने एग्रीमेंट साइन किया था 2016 में स्ट्रेटजिक पोर्ट डेवलप करने के लिए किस नेबरिंग कंट्री में, और उस पोर्ट का नाम क्या है, किस कंट्री में और पोर्ट का नाम क्या है। चबहार पोर्ट ईरान में, चबहार पोर्ट ईरान। नेक्स्ट इज सार्क के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट। हेडक्वार्टर काठमांडू। पहली समिट हुई थी ढाका में 1985। चाइना इज द ओनली कंट्री जो ऑब्जर्वर है, गलत, और ऑब्जर्वर तो और भी हैं। ऑब्जर्वर का मतलब कोई फुल टाइम मेंबर नहीं होता, ऑब्जर्वर का मेंबर फुल टाइम मेंबर नहीं होता है, तो चाइना एकमात्र ऑब्जर्वर, गलत, ऑब्जर्वर और भी हैं इसमें। ट्रिप्स एग्रीमेंट परटेन्स टू, ट्रिप्स एग्रीमेंट परटेन्स टू ट्रिप्स एग्रीमेंट परटेन्स टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन। रॉलेट एक्ट 1919, चौरी चौरा की घटना 1922, इतने से बन जाएगा ए का चार सी का एक, ए का चार सी का एक, बी का तीन डी का दो।
without making any registration. Without making any registration. इसमें से कौन सी चीज है जिसमें रजिस्ट्रेशन नहीं करना होता? कॉपीराइट। ब्रेग्जिट, ब्रिटेन का एग्जिट किस संस्था से? ब्रिटेन का एग्जिट किस संस्था से हुआ? ब्रेग्जिट है, ब्रिटेन का एग्जिट किस ऑर्गेनाइजेशन से? यूरोपियन यूनियन से। Which one of the following constitutional authorities inquires and decide in case of doubt and dispute arising out of election of the president and vice president? सुप्रीम कोर्ट। If the xylem of a plant is mechanically blocked, which of the following function of the plant will be affected? Plant के xylem पे अगर प्रभाव पड़ता है तो क्या impact आएगा? तो xylem and phloem. Xylem, transport of water and solutes. Transport of water and solutes.
द विजिबल पोर्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज द विजिबल पोर्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द विजिबल पोर्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज लाइट लाइट Not true for the form of carbon known as diamond. Diamond के लिए क्या सही नहीं है? Diamond के लिए क्या सही नहीं है? It is harder than graphite. इट कंटेन्स सेम परसेंटेज ऑफ कार्बन एज ग्रेफाइट, ये भी ठीक है, एलोट्रॉप ऑफ कार्बन है. बेटर कंडक्टर, गलत. अच्छा कंडक्टर है, ये गलत है. Which one of the following is the special type of milk produced by a lactating mother essential for the development of immune response of newly born baby in human? Kya bolte hain usko? कोलोस्ट्रम. इसमें से कौन वेस्ट फ्लोइंग रिवर है? वेस्ट फ्लोइंग रिवर. नर्मदा. इंदिरा सागर, मध्य प्रदेश. बी का एक. बी का एक. कृष्णदास सागर, कर्नाटक. सी का तीन.
इसमें से कृष्णराज सागर कावेरी पर है, मैटूर भी कावेरी पर है, ये दोनों कावेरी रिवर पे हैं, जिसमें से कृष्णराज सागर कर्नाटक और मैटूर तमिलनाडु ये बनेगा, चेरुंथोनी केरल। तो ये हो गया 4-1-3-2, 4-1-3-2, 4-1-3-2, 41-32 आंसर हो गया, 41-32। काटसा किसका नियम है ये बताना आ रहा हूँ, 1 मिनट। काटसा काउंटर अमेरिका एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट, काउंटर अमेरिका एडवर्सरी थ्रू सैंक्शन एक्ट, अमेरिका का कानून है, कोई कंट्री की पॉलिसी अगर अमेरिका को नुकसान करती हो उस पर प्रतिबंध लगा देता है अमेरिका, काटसा इनका अपना लॉ है जिसके तहत ये प्रतिबंध लगा देते हैं देशों पर अगर कोई पॉलिसी इनके अगेंस्ट जा रही हो या इनको नुकसान होता हो भविष्य में। इंडिया पहला खुद का एयरक्राफ्ट कैरियर डेवलप कर रहा है, इंडिया पहला खुद का एयरक्राफ्ट कैरियर डेवलप कर रहा है, किस नाम से? विक्रांत नाम से डेवलप कर रहे हैं इंडिया, विक्रांत नाम से डेवलप कर रहे हैं। मिशन सत्यनिष्ठा किसके द्वारा चलाया गया प्रोग्राम है?
सत्यनिष्ठा रेलवे का प्रोग्राम है, रेलवे। CAG की जो रिपोर्ट आती है सबमिट किसको करते हैं? अगर द ऑडिट रिपोर्ट ऑफ द CAG रिलेटेड टू द अकाउंट ऑफ द यूनियन, केंद्र की अगर CAG की केंद्र संबंधित रिपोर्ट आती है वो सबमिट किसको होता है? CAG की रिपोर्ट केंद्र संबंधित आती है, किसको सबमिट होती है ये? प्रेसिडेंट। स्वयं इज ए, स्वयं इज ए मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स इनिशिएटिव ऑन अ नेशनल प्लेटफॉर्म। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स इनिशिएटिव ऑन अ नेशनल प्लेटफॉर्म बी एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, 9th क्लास से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक सभी कोर्सेज अवेलेबल हैं, 2000 से ज़्यादा कोर्सेज अवेलेबल हैं। फ्लड फोरकास्टिंग सिस्टम बनाने के लिए सेंट्रल वाटर कमीशन किसके साथ कोलैबोरेशन किया? फ्लड फोरकास्टिंग सिस्टम बनाने के लिए सेंट्रल वाटर कमीशन का कोलैबोरेशन किसके साथ हुआ? गूगल। इनवैल्यूएबल ट्रेजर्स ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया, अतुल्य भारत की अमूल्य वस्तुएं किसकी टैगलाइन है? अतुल्य भारत की अमूल्य वस्तुएं किसकी टैगलाइन है ये? अतुल्य भारत की अमूल्य वस्तुएं किसकी टैगलाइन है? GI टैग के लिए, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के लिए, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन की टैगलाइन है GI टैग।